भाई 5 मिनट के लिए आश्रम में चलेगा? यूसुफ चाचा है ना, वो सालों से यहीं रहते हैं। उन्हें कुष्ठ रोग है? हाँ। एक काम करो, तुम अंदर जाके उनसे मिलाओ, मैं गाड़ी में ही ठीक हूँ। भाई मेरे बस की बात नहीं अंदर जाना। ओ वालो सलाम, आओ बैठो। कैसे हो? ठीक नहीं? नहीं, मैंने कुछ देर पहले ही गाड़ी में पानी पिया है। चाय भाई लो? नहीं, मैं चाय नहीं पीता। कॉफी चले? मैं कुछ नहीं पीता। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? घर की याद नहीं आती? मेरे को यहाँ रहने वो 30 साल हुए, और ये घर जैसा ही तो है। सोनी साहब हमारे माँ बाप सामान ही है। सोनी साहब कौन? सोनी साहब यहाँ सबका इलाज करते हैं। देखो वो आ रहे हैं। इनको भी कुछ रोग है क्या? नहीं, ये बीमार नहीं है। जय श्री कृष्ण। पिछले 40 सालों से ऐसे ही सबसे हाथ मिलाते आ रहे हैं। नमस्ते यूसुफ, मेरा तकिया का कवर हो गया? हाँ बहन, हो गया। 10 मिनट के बाद आता हूँ। अब कैसे हो तब? अच्छे। ये कौन है? ये सोनी जी की पत्नी है। इनको भी वही बीमारी है? नहीं, इनको नहीं है बीमारी। रोटी बनाने की बहुत बढ़िया मशीन है, चलेगा? देखो उधर, रोटी बनाने की मशीन। आजा, खाना खाते हैं, आजा। वाह यार, बहुत बढ़िया खाना था, मजा आ गया। ये बच्चे किसके? अब ये मत पूछना कि ये भी बीमार है क्या। भाई बीमार तो हम लोग हैं, लैक ऑफ नॉलेज के कारण। और ये बच्चे सोनी जी के ग्रैंड डॉटर्स हैं। उनके बेटी और दामाद भी यहीं रहते हैं? हाँ, वो भी बिना किसी डर के। अगर ये छुआछूत की बीमारी होती तो फिर इनको भी दिक्कत है ना, बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते। और चल मान लेते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, तो फिर इन बच्चों को क्यों नहीं है, इनके मम्मी पापा को क्यों नहीं है? एक मिनट, ये देख, ये देख, अभी देखो। ये बता रहा है सर्दी खांसी का बैक्टीरिया 10 टाइम्स ज्यादा फैलता है बनिस्बत लिप्रोसी के। और जो लोग यहां रह रहे हैं ना, जितने भी लोग यहां रह रहे हैं, वो सब क्योर्ड है। देखिए यहां पे मंदिर है और हर शाम यहाँ पे प्रार्थना होती है, तो चलो प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद अपन निकल चलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ।
तुम्हें लगता होगा ना कि मैं छुआछूत में विश्वास करता हूँ। इसके पीछे एक कहानी है। जब मैं 7 साल का था तो हमारे घर वालों ने हमारे चाचा को घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें कुष्ठ रोग था। माँ से पूछा कि चाचा कहाँ चले गए तो उन्होंने कहा चाचा बहुत दूर चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे। बड़ा हुआ तो पता चल गया कि चाचा को इस वजह से घर से बाहर निकाल दिया गया ताकि हमारे घर में होने वाली शादियों में कोई दिक्कत ना हो। मेरी नींद खुल गई। ये लैक ऑफ नॉलेज ने हमें अंधा बना दिया है।